नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम टैलेंट की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है भागा और एक लड़की की जिसका नाम है चंद्रा। भागा जो सूरज देवता का बेटा है और चंद्रा जो चंद्रमा की बेटी है, दोनों आपस में प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर परिवार की असहमति के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वो भागकर शादी करेंगे। और जिस जगह पे उन्होंने मिलने का फैसला किया वो थी तांडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भागते समय चंद्रा ने 150 किलोमीटर का सफर तय किया और बारा सीकरी और कोक्सर से होते हुए तांडी पहुंची। और भागा जिसने 50 किलोमीटर का सफर तय किया दारचा और किलोंग से होते हुए पहाड़ों को चीरते हुए और वी शेप की घाटी बनाते हुए तांडी पहुंचे और वहां पे हुआ उनका मिलन। तो हम बात कर रहे हैं आज दो ऐसी नदियों की जो बहुत ही खूबसूरत और हिमाचल को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका नाम है चंद्रा रिवर और भागा रिवर, जिनका ओरिजिन चंद्रताल लेक और सूरजताल लेक से हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं हिमाचल प्रदेश की। बारालाचा दर्रे पर चंद्रा और भागा एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट चलती हैं और आके मिलती हैं तांडी में, जहां चिनाब नदी का निर्माण होता है। चिनाब का मतलब होता है असिकिनी और ये हिमाचल की सबसे वॉल्यूम वाली नदी है और ये पांगी वैली में एंटर होती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और उसके बाद पडोल वैली में एंटर होती है श्रीनगर में। और ये हिमाचल में लगभग 120 किलोमीटर का सफर तय करती है। मियार नाला लाहौल में चिनाब से जुड़ता है और जबकि सहचू नाला पांगी वैली में शामिल होता है। इसकी सहायक नदियां जम्मू तवी और भोगा नदी है। चंबा की पांगी घाटी में ये प्रवेश करती है और उसके बाद कश्मीर के पदार घाटी के डोडा क्षेत्र में प्रवेश करती है। लगभग 115 मील आगे किश्तवाड़ा के भीतर के इलाकों में ये प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान में लगभग 950 मील नीचे मिथानकोट में सिंधु नदी से जाके मिलती है और बाद में अरब सागर से जाके मिल जाती है। अभी तक चिनाब पे 13 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 1410 मेगावाट है और ये प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट चला रही है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। और अगर इसमें कोई खामी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।